पिज्जा बन चुका है और अभी पिज्जे की हालत आपको नहीं दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू मिज़बान ममाज़ ब्लॉग। गाइस, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं आज बहुत बड़ा पिज्जा बनाऊंगी, सब सामान मैंने रेडी कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ एक इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि इतना बड़ा ओवन तो हमारे घर पे है नहीं। जा रही हूँ, फटाफट जाऊंगी, बड़ा पिज्जा बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी गाइस। और ये अभी सस्पेंस है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ पिज्जा बनाने। तो गाइस चलते हैं, फटाफट पिज्जा रेडी करते हैं और देखते हैं कि पिज्जा कैसा बना। सबसे पूछेंगे, सबसे रिव्यू लेंगे कि कैसा बना है हमारा पिज्जा। आई थी अभी, ये अभी बनाने वाली है पिज्जा, बड़ा सारा पिज्जा। तो गाइस, हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है पिज्जा बनाना और यहाँ पर बनने जा रहा है पिज्जा। जैसे आपको कल मैं पहले आटा निकाल के पहनूंगी शेफ की कैप, और ये आप जान सकते हो ये कहाँ है, ये है हमारा सीक्रेट किचन। ये है हमारा सीक्रेट किचन जो हम लोग आपको नहीं बताएंगे। और गाइज, हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, जैसे आपको हम लोग ने कल बताया था कि हम लोग जा रहे हैं 15 इंच का पिज्जा बनाने, और ये चैलेंज है स्विगी के लिए जो हम लोग उसको मारने जा रहे हैं तमाचा, क्योंकि उसने बनाया था हमें चूतिया। तो आपने नहीं देखा है, चूतिया मतलब उसने हमें बनाया था बेवकूफ। ओके, कि हम लोग ने बड़ा पिज्जे का वो मांगा, क्या बनाया था, ब्रेड। हम लोग ने बड़ा पिज्जे का ब्रेड मंगाया था, उसने बहुत छोटा सा किया। जैसे आपको पता है कि हम लोग जा रहे हैं 15 इंच का पिज्जा बनाने के लिए, जैसे कल हम लोग ने चैलेंज किया था, मिज़बान ने खुद सेल्फ चैलेंज किया था कि मैं बनाऊंगी 15 इंच का पिज्जा, राइट? ओके, तो ये पिज्जा हाँ, जो कि नहीं बना पाएगी, इसी बोल वचन दे रही हूं। मैं टेस्ट करके देखूंगा कैसा लगेगा पिज्जा खाने में, टेस्ट करेगा। तुम लोग टेस्ट करके देखेंगे, मैं ये देख रहा हूँ कि 15 इंच का पिज्जा बनता कैसा है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा 15 इंच का पिज्जा कितना बड़ा होता है। तो हम लोग गाइस पिज्जा बनाने जा रहे हैं 15 इंच का पिज्जा, और ये पिज्जा बन रहा है। थैंक यू सो मच स्विगी, ये आपके वजह से ये पिज्जा बन रहा है, क्योंकि कल आपने हमें बहुत ही बड़ा घिनौना सा हम लोग को तोहफा दिया था। हम लोग ने मंगाया था बड़ा ब्रेड, आपने भेजा था छोटा ब्रेड, तो हम लोग को छोटा ब्रेड खाने की आदत नहीं है। तो पिज्जा बनाने जा रही है 15 इंच का पिज्जा। तो मिज़बा आई शेफ, तो गाइस मिज़बा ने ये क्या पहना, मिज़बा क्या पहने, ये शेफ की कैप, और शेफ का आटा मसाज हो रहा है। शेफ का क्या, शेफ का जो हाथ बटाने वाले वो है पीछे मोहम्मद शेख, मोहम्मद शेफ। तो गाइस, हम लोग देखना चाहते हैं कि इधर बैठा है इमरान कुकी और मैं मिस्टर मामा। तो यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, मैं वीडियो निकाल रहा हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ ये लोग दोनों कितना दिल से लोग पिज्जा बनाते हैं और हम लोग को कितना मजा आता है खाने के लिए। अरे हम लोग, अरे हम लोग को मत दो यार, देखो अरे यार देखो मैं तो एकदम वो बावर्ची लग रहा हूँ, मैं बावर्ची लग रहा हूँ। गाइस हम लोग बन गए पोको मेलन, हम लोग तीनों एक साथ खड़े थे। गाइस हम लोग बन गए पोको मेलन। पिज्जा कोई बना सकता है क्या, अरे भाई। तो गाइस हम लोग ने बना लिया है इतना बड़ा पिज्जा, और ये कितने इंच करेगा मिस बा, ये अभी 17-18 इंच का है, और हम लोग जा रहे हैं इस पे ये करने के लिए, बटर घसने के लिए। गाइस बटर लग चुका है, ओहो ये पिज्जा खराब होते हुए ओ ये गया। तो गाइस पिज्जा खराब हो गया है, और हम लोग वापस से इसको अटेंड करेंगे और हम लोग हार नहीं मानेंगे। गाइस हम लोग को बेलन मिला नहीं, तो हम लोग ने बेलन उसको बनाया था, और ये बन गया है। ओ तो ये परफेक्ट हुआ है मिसबा। तो गाइस यहाँ पर हो चुका है एक पिज्जा रेडी। मिसबा इधर इधर, ये खड्डा हो गया, कोई बात नहीं, तो चाहिए ओके, बाहर निकला रहेगा तो चल जाएगा। नहीं नहीं चलेगा यार, मोहम्मद भाई कैसा शेफ बनोगे तुम, अपन सस्ता शेफ हो। हाँ हाँ, महंगा शेफ दे भाई, महंगा शेफ इधर है, 40,000। तो गाइस हम लोग के पास कट करने के लिए कुछ था नहीं, तो मोहम्मद भाई ने एक जुगाड़ बनाया हम लोग के लिए, और इससे हम लोग प्रॉपरली कट हो रहे हैं। चिपकता बहुत है यार इसमें, क्यों शेफ ये तुमको पता होना चाहिए, कल तक रुकेंगे तो नहीं चिपकेगा, एक दिन पहले आटा गूंदोगे ना तब नहीं चिपकेगा। तो तुमने चैलेंज तो कल लगाया था, तो क्या, तो कल ही बना देना चाहिए, कल ही बना देना चाहिए था। तो गाइस ये पूरा, ये कितने इंच का है, ये 15 इंच का है। ओके, तो गाइस ये 15 इंच से बड़ी हमको प्लेट नहीं मिली। ओके, नहीं तो हम उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, राइट? तो गाइस इस पे अभी पूरा मस्का मसाला लगेगा,
ये मैं आपको पूरा प्रॉपरली बताऊंगा। मोहम्मद भाई अब बताओ, ये छन्नी के बिना बन सकता है? नहीं बन सकता था भाई, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी कलाकारी है मोहम्मद भाई, ऐसा बोल रहे बिल्कुल नहीं बन सकते, रोज पिज्जा बनाते हैं। हाँ मिलाना पड़ता ना यार, तो गाइस हम लोग को पिज्जा खाना है, हम लोग हाँ में हाँ बोलेंगे। शेफ कुछ भी बोलेगा हाँ ये हो सकता है, जो वो बोलेगी हाँ हो सकता है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, घंटे के लिए सब कुछ पॉसिबल है, खा लिए सब बोल जाएंगे। तो मिसबा सब पॉसिबल है तुम्हारे लिए, ओके यू कैन डू इट। मैंने डाला है अभी पिज्जा सॉस और अब ये है चीज सॉस, भर भर के डालेंगे ताकि अच्छा खाए। ओहो ये भर भर के चले गया है इसके अंदर चीज सॉस, और ये मैं डालूंगी थोड़ा गार्लिक मैजिक मसाला साथ, गार्लिक मैजिक मसाला। तो गाइस आप लोग को ऐसा लग रहा रहेगा कि मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग को दोबारा याद हो जाए, मतलब एक बार मिसबा बोल रही है वो, एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप दोनों को जिसकी आवाज अच्छी लगे ले लो। अच्छा। लग रही है, बना क्या? देखो यहाँ एक बैठे भूख लग रही है, बना क्या? अभी तुमको सिर्फ वेट करना है, खानों को दे दो ले। मोहम्मद भाई का मुंह देखो। तो गाइस प्रॉपरली हम लोग ने मिक्स कर लिया है इसको, ये चीट पोटले तो नहीं बन गया मिसबा? चीट पोटले नहीं बन गया, चीट पोटले क्या बोल क्या बोलते इसको, चिटपोटले, चिपोटले, ये बल्लभ जमन, बल्लभ जलम, बल्लभ जमन है क्या? ये बल्लभ जमन है और ये चिपोटले, ऐसा लग रहा है देख के। मिसबा भाई बहुत अच्छे से बना रहे, दिल से बना रहे, मन से बना रहे, तो अच्छे रहेगा, टेस्टी रहेगा। हां इंशाल्लाह और आधा चीज यहाँ आके गिरी है। तो गाइस इसके अंदर चले गया है चीज, और ये कौन सा चीज है? ये भी चीज, एक गया है लिक्विड चीज, एक गया मोजरेला चीज, और एक गया चेडार। सिर्फ पूरे पिज्जा में चीजी चीज है। तो गाइस अपने को मोमेंट है, तुमको कल 2 घंटा मेहनत करना पड़ेगा वर्कआउट के लिए। हाँ क्यों? सिर्फ पिज्जा में सिर्फ चीजी चीज है। अरे कर लेंगे भाई, तो हाँ। तो चीज मैं तो कम खाएगा, मैं तो कम खाएगा, जिम में नहीं जा रहा हूँ। वो कहता फूड फूड ब्लॉगर जाते हैं ना, तो चीज घस घस के डालते हैं, ये भी चीज घस घस के डाल दी है, कम डाल दो थोड़ा। तो गाइस मैं चीज खाने के लिए रेडी हूँ आज, क्योंकि बहुत ही दिल से बना रही है और बहुत ही मजा आएगा, और थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज दुआ कीजिए। ये सब डाल लेंगे। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ओके, कि ये पिज्जा जो बन रहा है, ओके, मिसबा को मैंने ही सिखाया था ये बनाना। मेरा अब्बा? हाँ। नहीं मेरे अब्बा ने नहीं, मैंने सिखाया था। तो फिर बना लो खुद ही। तो गाइस ऐसा है कि मैं अभी भूल गया हूँ, और खाना आता है मुझे अभी खाने को, इसलिए भूल गया कि गाइस मेरे पास अभी पिज्जा बनाने के लिए कोई है उस टाइम कोई खाने। गाइस मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मेरा क्रेडिट ले जाता है। इनका कोई क्रेडिट नहीं है, इनके पास डेबिट कार्ड है। एकदम लेम। गाइस गार्लिक ब्रेड बनाओ, गार्लिक ब्रेड। हाँ हाँ बनाओ ना यार, बनाओ ना गाइस। ये पिज्जा में मुफ्त की आइटम को, मुफ्त की आइटम को हम ना नहीं बोलेंगे। मोहम्मद भाई पिज्जा बन चुका है, इसको ऊपर में डालना होगा। मजा आ गया, 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 मजा आ गया। रख दूँ ओवर में? डालो ना ब्रो, अपने को थोड़ा चाहिए ना प्लेट अंदर। अपन चालू भी करना पड़ेगा ना। पिज्जे का नाम क्या है पहले बताओ, पिज्जा का नाम क्या है? ये है फार्म हाउस पिज्जा, ये है फार्म हाउस वेज पिज्जा, और ये पिज्जा चले गया है अंदर, और यहाँ पे लग गया है टाइमिंग, तो हम लोग देखते हैं इसका वेट करते हैं। गाइस आप लोग को वहाँ पर देखना है कि कितने टाइम में बन रहा है, तब तक मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। अच्छा गाइस देखेंगे? मतलब तो गाइस मतलब गाइस आप लोग देखो कितने टाइम में बन रहा है, और मिसबा दूसरा काम कर रही है, और 10 मिनट का 3-4 मिनट लगाओ पहले, और देखते रहो भाई। तो गाइज यहाँ पर पिज्जा जब तक बन रहा था, ये लोग अपना डांस कर रहे थे ततड़ ततड़ पर, और इतनी हंसी आ रही थी, मैंने सोचा क्यों ना एक टेक ही ले लूँ कि ये लड़के कैसा मस्ती कर रहे हैं अंदर। बाप रे बहुत ये लोग मस्ती करते हैं। चेक कर लेते हैं कि पिज्जा बना है कि नहीं। अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ है, ये दूसरा पिज्जा का मेल्ट हो गया है, और दूसरा पिज्जा बनने के लिए अभी रेडी हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं।
हो गया ना, हमारा बेस नहीं बन रहा था, तो मोहम्मद भाई देखो कैसे कर रहे हैं, अभी नीचे टिन रख के हम लोग इतना जुगाड़ कर रहे हैं। वाह वाह, लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, सही बात है, जुगाड़ करना है। लाइफ में जुगाड़ से ही चलती हूँ। यस यू आर राइट, बात बोले बात के लिए मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना। यस, अब गाइज देखो ये क्या हो गया ना गाइज, नीचे क्योंकि हॉलो नहीं था तो ब्रेड नहीं पक रही थी, ऊपर की चीज वगैरह मेल्ट हो रही है, तो हम लोग ने जुगाड़ लगाया, मोहम्मद भाई ने, मम्मा ने और मैंने, और इमरान भाई ने कुछ नहीं किया, खाली टाइम पास तो खाने को दे दो ना। ये इंसान सिर्फ भूखा है, भूखा है, प्यार का भूखा है, प्यार का भूखा है, पिज्जा का भूखा है, ये सिर्फ भूखा इंसान है। चलो अभी पिज्जा बनने का वेट करते हैं। गाइज एक निकल चुका है और दूसरा वाला इधर है, और ये इसको निकाला जा रहा है क्योंकि निकालने के लिए ग्लव्स है ऑलरेडी, और हम लोग निकाल रहे हैं हाथ से, बहुत बड़ा रिस्क है, तो फर्स्ट टाइम निकाला। अरे ये दूसरा हाथ नहीं, नहीं भाई हाथ क्यों लगा रहे हो दूसरा? अरे भाई ये तो दूसरा हाथ भी लगा रहे थे इमरान भाई। इमरान भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? इमरान भाई चटका लगे आराम से, चटका लगा इधर, लगा हां लग गया, चटका लग गया। अरे पिज्जा, पिज्जा भाई ने पिज्जा, गाइस हम लोग का एक पिज्जा बन चुका है और सेकंड पिज्जा के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं, क्योंकि एक पिज्जा में हम लोग का कुछ होने वाला है नहीं। तो गाइस पिज्जा बन चुका है, तो गाइस पिज्जा बन चुका है, एक और बन रहा है, और एक बन रहा है, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, घर जाने के बाद खाएंगे पिज्जा, हो जाएगा वापस गर्म करके लेके जाएंगे ये, इसीलिए हम लोग ने बना लिया। और गाइज जायंट पिज्जा का प्लान थोड़ा सा फ्लॉप हो गया, फिर भी अगर 15 इंच का मैंने बोला था, 15 इंच का पिज्जा है ना भाई, 15 इंच है। हाँ, फिर अब ये हम खाएंगे घर जाकर मम्मा से। देखो ये 4 इंच का हाथ है और अंदाजा लगा लो आप लोग। कौन खा पाया? हम लोग घर जाके खाने वाले और ये लोग अभी यहीं से खा रहे। देखो खा रहे बन चुका है और अभी पिज्जे की हालत आपको नहीं दिखाएंगे, घर चल के हम लोग आपको दिखाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और मोहम्मद भाई की शॉप बंद हो चुकी है, तो मोहम्मद इधर खड़े हैं। मोहम्मद चलो जल्दी फटाफट भाई, पिज्जा ना कम से कम 6 घंटा लगा होगा। चलो चलते घर पे, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, भूख भी बहुत लगी है और पिज्जे का चेहरा हम लोग आपको दिखाएंगे जब खाना बैठेंगे। तो गाइस पिज्जा का आप शक्ल देख सकते हो, ये लोग ने उठा लिया है, कैसा हो रहा है मुझे? एक नंबर बना हुआ है। ओ क्या बात है मिसबा, सक्सेस हो गया तू तो, हाँ क्या हूँ, मस्त बना है गाइस। तो चलो फटाफट गाइस मैं भी खा लेता हूँ, और हम लोग ने दे दिया स्विगी वाले को टक्कर क्योंकि 15 इंच का पिज्जा बन चुका है। तो गाइस जाइए आप भी पिज्जा बनाइए और पिज्जा की रेसिपी, तो गाइस पिज्जा की रेसिपी चाहिए रहेगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए। तो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ इधर एंड, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड प्लीज 10,000 कमेंट आएगा जब रेसिपी बताएंगे। वाह 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 इंशाल्लाह, जबरदस्त पिज्जा भाई, इसकी रेसिपी जो जान गया ना अपना शॉप खोल सकता है। वाह क्या बात है। तो गाइस ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, मम्मा बोल रहे तो मैं वीडियो कर रहा हूँ इधर एंड, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऐसी प्यार करते रहिए और ऐसी हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।